आज 5 मार्च है और अगले 10 दिन के भीतर यानी 15 मार्च से पहले पहले लोकसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। यह तारीख 14 मार्च भी हो सकती है और 15 मार्च भी। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर बताने वाला हूं। देखिए, यह खबर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से जुड़ी है। समाजवादी पार्टी अब तक करीब 30 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। इसमें डिंपल यादव की मैनपुरी सीट है, शिवपाल यादव की बदायूं सीट है, अक्षय यादव की फिरोजाबाद सीट है। लेकिन अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे यह अब तक पार्टी की तरफ से साफ नहीं हुआ है। और इसी से जुड़ी आज की बड़ी खबर ये कि 2 सीट से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आजमगढ़ के साथ कन्नौज से भी अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई कि अखिलेश यादव 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, आजमगढ़ और कन्नौज। सूत्रों के हवाले से यह इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, आजमगढ़ हो या कन्नौज, इन दोनों ही सीटों से अखिलेश यादव की अगर बात करें तो अखिलेश यादव पहले भी लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि कभी ऐसा नहीं हुआ जब उन्होंने एक साथ इन दोनों सीटों से चुनाव लड़ा हो, लेकिन अखिलेश यादव पहली बार कन्नौज से ही सांसद बने थे। साल 2000 में जब मुलायम सिंह यादव ने सांसदी छोड़ी थी तब अखिलेश यादव ने कन्नौज से उपचुनाव लड़ा था और उसके बाद 2004 और 2009 में लगातार 2 बार वो यहां से सांसद बने। 2014 में मुख्यमंत्री होने के चलते उन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन कन्नौज से पत्नी डिंपल यादव को चुनाव जरूर लड़वाया, वो सांसद भी बनी। और जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए तो कन्नौज की तरह ही पिता की विरासत संभालने वो आजमगढ़ चले गए। कन्नौज हो या आजमगढ़, इन दोनों ही सीटों से मुलायम परिवार का पुराना नाता है। एक सीट पूर्वांचल की है तो दूसरी सीट अवध क्षेत्र की, जो पश्चिमी यूपी से सटी हुई है। सवाल यह है कि अखिलेश यादव इस बार इन दोनों सीटों से चुनाव लड़ने का प्लान क्यों बना रहे हैं। सवाल यह भी है कि अगर अखिलेश इन दोनों सीटों से मैदान में उतरे हैं तो 2024 के नतीजों में कितना बदलाव ला पाएंगे, यह सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले यह जानिए कि आजमगढ़ और कन्नौज में किस तरह से अखिलेश यादव के लिए जमीन तैयार हो रही है। देखिए, आजमगढ़ में मजबूत नेताओं को समाजवादी पार्टी से जोड़ा जा रहा है। कुछ दिन पहले ही बीएसपी नेता गुड्डू जमाली को पार्टी में शामिल करवाया गया है। 2022 में जब धर्मेंद्र यादव लोकसभा का उपचुनाव आजमगढ़ से हारे थे, इसकी बड़ी वजह गुड्डू जमाली ही थे, जिन्होंने बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़कर धर्मेंद्र यादव का खेल बिगाड़ा था। और बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ 9000 से भी कम वोटों के अंतर से जीते थे। इसी तरह कन्नौज में भी समाजवादी पार्टी की जिला इकाई को अखिलेश यादव के बारे में बता दिया गया है। सभी कार्यकर्ताओं को तैयारी के निर्देश दिए जा चुके हैं। यहां भी जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूती दी जा रही है। कुछ दिन पहले ही पूर्व मंत्री शिव कुमार बेरिया को बीजेपी से तोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल करवाया गया। शिव कुमार बेरिया का रसूलाबाद इलाके में प्रभाव है और 2019 में जब डिंपल यादव चुनाव हारी थी तो रसूलाबाद से ही सपा को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। तब शिव कुमार बेरिया बीजेपी के साथ थे। अखिलेश यादव ने 3 बार कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ा और तीनों ही बार वो जीते हैं। ऐसे में अगर इस बार भी वो कन्नौज से चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी भी समाजवादी पार्टी की हर लिस्ट को गौर से देख रही है और उस लिस्ट में अखिलेश यादव का नाम ढूंढ रही है। दावा तो यहां तक है कि अगर अखिलेश कन्नौज से लड़ते हैं तो 4 लाख वोटों के अंतर से हराया जाएगा, यह समाजवादी पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी कुछ और कह रही है। अपने परिवार की सारी सीटें घोषित कर दी, आपने अपनी सीट क्यों नहीं घोषित की? क्या कन्नौज आने में डर लग रहा है? अगर कन्नौज आने में डर लग रहा है तो फिर हम लोग ये लड़ाई जीत चुके हैं। अखिलेश जी, आपको मैं चुनौती देता हूं, कहीं और मत जाइएगा, यही कन्नौज से चुनाव लड़िएगा। 4 लाख से कम अगर हमने हराया तो बताइएगा। तो मंत्री असीम अरुण बीजेपी के, वो दावा कर रहे हैं कि 4 लाख से हराएंगे। ये सच है कि कन्नौज में 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी ने जीता था। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को सुब्रत पाठक ने हराया था। लेकिन सच ये भी है कि इस हार का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। डिंपल यादव करीब 13,000 वोटों से हारी थी और अखिलेश यादव अगर यहां से चुनाव लड़ते हैं तो हालात बहुत बदले जा सकते हैं।
कन्नौज वो इलाका है जिसे अखिलेश यादव अपना दूसरा घर मानते हैं और बताते भी हैं। डिंपल यादव इसे अपना ससुराल मानती है और जमीन की सच्चाई यही बताती है कि मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव ने कन्नौज पर विशेष फोकस किया था। अखिलेश यादव जब कन्नौज पहुंचते हैं तो यहां के लोगों से वो अपना रिश्ता भी जोड़ते हैं, कैसे सुनिए। कन्नौज अपने घर में भी घोषणा करनी पड़ेगी और ये हमारे साथी हैं बचपन के, इन्हें फोटो दिखाना हसीब की, ये तमाम साथी हैं जो बचपन से जानते, और आप बताओ किस बचपन से जानते हो हमें। जहाँ तक कन्नौज का सवाल है, कन्नौज की जनता समाजवादियों को सबसे ऐतिहासिक वोटों से इस बार जीता। अखिलेश यादव के इस बयान में ही उनकी उम्मीदवारी का ऐलान है। अब आते हैं हम सवाल पर, अगर अखिलेश यादव दो लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी को क्या हासिल होगा, 2024 के चुनाव में उसकी सेहत पर कितना असर पड़ेगा। दरअसल इन दोनों सीटों से चुनाव लड़ने की अपनी अपनी वजह है। सबसे पहले आजमगढ़ की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आजमगढ़ से चुनाव लड़ना अखिलेश यादव के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। यहां की जाति और धार्मिक समीकरण पूरी तरह से अखिलेश यादव के पक्ष में है। 2022 के उपचुनाव में जिस वजह से समाजवादी पार्टी हारी थी, उस वजह को दुरुस्त कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात, अगर अखिलेश आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो इसका असर पूर्वांचल के कई लोकसभा सीटों पर पड़ सकता है। 2019 में जब अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ा था तो सपा बसपा के गठबंधन ने लालगंज, घोसी, जौनपुर और गाजीपुर सीट भी जीती थी, जबकि 2014 में ऐसा नहीं हो पाया था। आजमगढ़ को छोड़कर पूर्वांचल की कोई भी सीट सपा नहीं जीत पाई थी, तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा अखिलेश यादव जब आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो मछली शहर, चंदौली, बलिया, देवरिया जैसी सीटों पर भी इसका असर बढ़ सकता है। तो दो साल पहले जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुए थे तो समाजवादी पार्टी इसी पूर्वांचल में सबसे मजबूत मानी गई थी। ऐसे में अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़कर लोकसभा चुनाव में इस मजबूती को और ज्यादा बढ़ाना चाहेंगे। अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव मैदान में आते हैं तो जाहिर सी बात है कि बगल की सीट गाजीपुर, जौनपुर, अंबेडकर नगर और मऊ पर इसका अच्छा असर पड़ेगा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ने पहुंचे तो मुलायम सिंह यादव इसीलिए आजमगढ़ से मैदान में उतरे। ये तो हुई पूर्वांचल की रणनीति। अब बात करते हैं कन्नौज की। समाजवादी पार्टी का मकसद सिर्फ कन्नौज की सीट जीतना भर नहीं है, अखिलेश यादव की नजर कन्नौज के आसपास की सीटों पर भी है। अखिलेश यादव जब कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो आसपास की सीटों पर समाजवादी पार्टी को उसका फायदा होता है। 2014 और 2019 में जब अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव नहीं लड़े तो मैनपुरी और कन्नौज को छोड़कर किसी भी सीट पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर नहीं था। लेकिन जब 2009 में अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़े तो सपा ने मैनपुरी, बदायूं, हरदोई, इटावा और जालौन लोकसभा सीट भी जीती थी। अखिलेश यादव जब कन्नौज से चुनाव लड़ते हैं तो फरुखाबाद, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज और कानपुर देहात तक इसका मैसेज जाता है। यही वजह है कि इस तरह का फैसला समाजवादी पार्टी ले रही है। ऐसी स्थिति में ये कहना कि अखिलेश यादव के लड़ने से बाकी सीटों में कितना फायदा होता है तो ये उनकी रणनीति पर डिपेंड करेगा, लेकिन हाँ, वो ऐसा इलाका है कि वहाँ के आसपास की जो सीटें हैं वहाँ पर समाजवादी पार्टी का प्रभाव है और जाहिर सी बात है कि वो प्रभाव थोड़ा सा और मजबूत होगा, लेकिन रणनीति कैसी होती है इसके बाद निर्भर करता है। देखिए, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब अखिलेश यादव आजमगढ़ और कन्नौज दोनों से चुनाव लड़ेंगे तो धर्मेंद्र यादव का क्या होगा। दरअसल मुझे पता चला कि धर्मेंद्र यादव के लिए अखिलेश यादव ने अलग से प्लान तैयार किया है। क्या यह प्लान हो सकता है? देखिए, समाजवादी पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ और कन्नौज लोकसभा सीट का प्रभारी नियुक्त किया गया है, यानी अखिलेश यादव जिन दोनों सीटों से चुनाव लड़ेंगे वहां की जिम्मेदारी धर्मेंद्र यादव संभालेंगे। इसके अलावा धर्मेंद्र यादव उन सभी सीटों पर चुनाव प्रबंधक की भूमिका में रहेंगे जहां समाजवादी पार्टी को जीत की सबसे ज्यादा उम्मीद है। इसके बाद का प्लान यह है कि अगर अखिलेश यादव दोनों सीट से चुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें कोई एक सीट छोड़नी होगी। और यह भी पता चला है कि अखिलेश यादव चुनाव जीतने की स्थिति में जिस सीट को छोड़ेंगे वहां से धर्मेंद्र यादव उपचुनाव लड़ेंगे। सवाल सिर्फ धर्मेंद्र यादव का नहीं है, सवाल इससे आगे का भी।
अखिलेश यादव अगर सांसद बन जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक अहम कुर्सी भी खाली होगी। यह कुर्सी होगी विधानसभा में नेता विरोधी दल, और सवाल यह होगा कि अखिलेश यादव के बाद योगी सरकार से सदन के अंदर कौन टकराएगा। इससे पहले योगी सरकार के पहले कार्यकाल में अखिलेश यादव ने बलिया से आने वाले राम गोविंद चौधरी को नेता प्रतिपक्ष बनाया था, अब वो भी विधायक नहीं है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि ऐसी स्थिति आने पर पिछड़े या दलित समाज से आने वाले किसी भरोसेमंद विधायक को अखिलेश यादव ये जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।